हाँ फ्रेंड, मैं बता रहा था कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या जरूरत है और गूगल एडसेंस से लॉगिन करके हम पैसे कैसे कमाएं। स्वागत है ये मेरे YouTube चैनल सुजल प्रजापति टेक्निकल टेक में। तो आपका स्वागत है क्योंकि मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि तो मेरा बहुत सारा वीडियो है सेकंड YouTube चैनल में, म्यूजिक दीवाने इसके प्रोडक्शन है, बट ये मैं नया टेक चैनल खोला हूँ सुजल प्रजापति टेक्निकल टेक में। तो आप थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब क्या क्या आप जानते हैं यूट्यूब से हम लोग को मनी मिल सकती है। आपको पता ही होगा कि ना गूगल एडसेंस के तरफ से इंटरनेशनल पेमेंट यूट्यूबर को दिया जाता है, तो लॉगिन उस पर कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कैसे यूट्यूब पे पैसे कमाएं और यूट्यूब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर कैसे बने। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, तो कॉमेंट जरूर करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बता रहा था कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या जरूरत है और गूगल एडसेंस से लॉगिन करके हम पैसे कैसे कमाएं। तो आप सोच रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सुजल क्या आप बताओ मेरे को कि कैसे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बना जाए। ऐसे तो मैं भी नहीं हूँ अभी सक्सेसफुल बना हूँ, मेरा एक वीडियो दो वीडियो कुछ कुछ मोनेटाइज हो जाता है और उस हिसाब से मनी मिलती है। तो आपको कैसे बनना है एक सक्सेसफुल यूट्यूबर तो मैं बताता हूँ आपको। एट फर्स्ट आप अपना सेटअप पर ध्यान दें, बैकग्राउंड क्या है, आगे का अपग्रेड अपना हेयर पे ध्यान दें। अगर पीछे बैकग्राउंड आपका अच्छा नहीं है तो ग्रीन स्क्रीन का जरूर यूज करें, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, और रिंग लाइट का यूज करें। रिंग लाइट नहीं है तो कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं आप सब लाइटनिंग के लिए कि फेस पे लाइट आए। तो जी हाँ फ्रेंड, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके वीडियो पे या आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना लगे और आपके वीडियो पे कॉपीराइट सेक्शन ना लगे, क्योंकि ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पहले चैनल में बहुत सारे कॉपीराइट लग चुके थे। इसी कारण मैं सेकंड टेक्निकल चैनल इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मोनेटाइज नहीं हो पाता चैनल और आपको पेमेंट नहीं दे पाएगी गूगल एडसेंस। आप कोई भी प्रयास कर लोगे कितना भी तो आपको पेमेंट नहीं देगी है गूगल एडसेंस। तो जी हाँ फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं ये यूट्यूब वीडियो के साथ। पास एक दो या कितना भी, लेकिन माइक रहना चाहिए, चाहे सस्ता करे महंगा रहे, तो सबसे सस्ता वाला यूज करोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आप सबसे सस्ता से स्टार्ट करें, सबसे सस्ता माइक यूज करें, सबसे सस्ता रिंग लाइट यूज करें, सबसे सस्ता लाइट जुगाड़ सब ये सब भी। ग्रीन स्क्रीन तो दो से तीन सौ में मिल जाती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट अमेजोन का, बट ग्रीन स्क्रीन ये सब तो फ्लिपकार्ट ही से मैं मंगाया हूँ और ये बहुत अच्छा क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है बहुत। तो आप जरूर ध्यान दें क्योंकि माइक में जो बैकग्राउंड साउंड आता है, जैसे बर्ड का कुत्ते कभी कभी भौंकने लगते हैं तो कभी भी आने लगता है, तो उसमें यूट्यूब जो हमारी पब्लिक देख रही होती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। ये साइड से जो बैकग्राउंड साउंड आता है वो पब्लिक को अच्छा नहीं लगती है। तो चलिए फ्रेंड आगे मैं बताता हूँ कि गूगल एडसेंस क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड, गूगल एडसेंस यही है जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जिसको चाहिए पेमेंट। जो कितने टू टाइप्स ऑफ यूट्यूबर, दो तरह के यूट्यूबर रहते हैं। तो एक यूट्यूबर अपने फेमस होने के लिए इंतज़ार करते हैं, तो कुछ यूट्यूबर मोनेटाइज होने के लिए इंतज़ार करते हैं कि मेरा चैनल कब मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे कब पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हाँ फ्रेंड, तो मुझे कब पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आप सोच रहे थे मैं किस टाइप का यूट्यूबर हूँ, तो मैं तो दोनों टाइप का यूट्यूबर, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे तो पेमेंट चाहिए होगा। तो मैं भी गूगल एडसेंस से लॉगिन कर चुका हूँ, तो आपको मैं सेकंड वीडियो में जरूर बता दूंगा कि गूगल एडसेंस से लॉगिन कैसे करें, क्योंकि उसमें एक ही प्रॉब्लम रहता है जो बैंक से रहता है। उसमें अगर हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर देते हैं, बैंक का नाम देते हैं, अगर बैंक का उसमें जैसे IFSC कोड रहता है, आप लोग जान रहे हैं IFSC कोड क्या है, वो आपके ब्रांच का IFSC कोड है। तो वो वैसे ही टाइप का एक स्विफ्ट कोड होता है जो वहाँ पे मांगा जाता है। आप लोग नहीं जान रहे होंगे स्विफ्ट कोड क्या है, या कुछ लोग जान भी रहेंगे। जो स्विफ्ट कोड होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होता है और वो जल्दी बैंक वाले नहीं देते। आप लोग जाएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगेंगे आपसे, आपका इंटरव्यू लेने लगेंगे, आप क्यों, आपका क्या ज़रूरत है ये स्विफ्ट कोड का, इंटरनेशनल पेमेंट का। तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं यूट्यूबर हूँ और मैं ये सब काम करता हूँ, और पर कितने बैंक में भी कितने लोगों को, अगर आप होम टाउन से हो
विलेज एरिया, विलेजर एरिया से हो तो कितने वहाँ के स्टाफ लोग को नहीं पता है कि स्विफ्ट कोड है क्या, तो आप लोग कस्टमर सर्विस से बात कर सकते, आप कर सकते हो। तो आपका कौन सा बैंक है तो आप ज़रूर कमेंट में जरूर बताना, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कस्टमर केयर का नंबर क्या है वो बैंक का। तो हाँ फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो आप वहीं रहिएगा फ्रेंड। तो बाय बाय फ्रेंड। 2000 years later. तो हाँ फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो मेरा ब्रेक होता है समाप्त और मैं बता रहा हूँ कि ये YouTube स्विफ्ट कोड जो मांगा जाता है तो ये इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होता है, क्योंकि YouTube एक जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है, वो इंडिया की नहीं है, वो इंटरनेशनल है, वो इंडिया के बाहर की कंपनीज का वो लोग इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट कोड देते हैं। तो वो स्विफ्ट कोड तो जल्दी नहीं मिलता है फ्रेंड पर, लेकिन मिल जाता है, बहुत मुश्किल से फॉर्म भरना पड़ता है, नहीं तो इंटरनेशनल पेमेंट क्यों आप दे रहे हो। वहाँ के मैनेजर से बात करें, बैंक के तो बैंक ब्रांच के मैनेजर से बात करें तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड मेरा यही आज का YouTube वीडियो में मेरा था कि ये मैं कैसे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूँ। तो यूट्यूबर बनने के लिए सक्सेसफुल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, YouTube आप मेहनत करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत तो आप सुना ही होगा, तो मैं भी कोशिश करते करते हार तो नहीं मान रहा हूँ, कभी कभी मान लेता हूँ, क्योंकि बहुत चैलेंज बढ़ चुका है ये YouTube पे। एक चैलेंज नहीं है, हजारों चैलेंज है। आप जो भी वीडियो बना रहे हो उसका लाखों कॉपी रहता है, लाखों करोड़ों उसका वीडियो रहता है, तो आप कैसे नंबर वन पे आओगे? तो वो अपने मेहनत से आप बढ़ते जाओ आगे, तो आप नंबर वन पे जो आएंगे। टैग के बारे में मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, टैग क्या है और YT स्टूडियो और गूगल एडसेट गूगल एडवर्ड के बारे में मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो बाय फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर ना नोट्स पढ़ लीजिएगा कि मैं जो भी बात किया हूँ आपसे और कैसे हम एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, तो वो नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप सब जरूर देख रहे। तो ठीक है, बाय फ्रेंड, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, तो बाय फ्रेंड।